नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को बता दूं कि स्कूल का मुआयना करते करते आज मैं सीधे ही आ चुका हूं पुलिया नंबर 9 के अंदर, ऐसे स्कूल के अंदर जो टपनिया मार्ग पर बना है, लवकुश जूनियर हाई स्कूल। जानते हैं कि स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधाएं से लेकर प्रिंसिपल से जानते हैं कि प्रिंसिपल जी टीचर को कैसे प्रोवाइड कराते हो, कैसे भाप लेते हैं कि बच्चों को इस प्रकार होने चाहिए शिक्षा। डायरेक्ट ही मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मार्केट संवाद में स्वागत है आपका। सर मैं जानना चाहता हूँ आप सर टीचरों को सर किस प्रकार आप गैदरिंग करते हो, किस प्रकार उन्हें आप उन्हें डील करते हो। सबसे पहले तो हम ज्वाइनिंग से आपको बताएंगे कि टीचर जो हम ज्वाइन करते हैं तो अपने स्कूल की सारी शर्तों से अवगत करा देते हैं जी। जितने भी हमारे यहाँ रूल और रेगुलेशन चलते हैं, जितने कंडीशन है, सबको फॉलो करना पड़ता है जी। और टीचर को पहले ट्रेंड किया जाता है, नए टीचर आते हैं उनको पहले ट्रेंड किया जाता है, इसके बाद क्लास में भेजा जाता है। इसके पहले क्लास भेजने से पहले उनका 2 दिन रन कराते हैं उन्हें, इसके बाद अगर उनका सही जाता है क्लास में, सही उनकी रनिंग रहती है तो उनको भेज देते हैं। इसके बाद वीकली हमारे यहाँ जो स्टेट चलती है वीकली, उनको सैटरडे को पूरा निरीक्षण किया जाता है और सैटरडे में जिन टीचरों की जो प्रॉब्लम होती है उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। अगर किसी टीचर के अगर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है तो उसको पहले बताया जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट पकड़ बनाइए, पहले आप सीखिए अच्छे तरीके से, फिर क्लास में जाइए। और अगर ऐसा लगता है कि टीचर क्लास में नहीं चल पा रहा है तो उसको फिर बाहर कर दिया। टीचर सर कौन कौन सी क्लास के होते हैं सर, आपके यहाँ ग्रेजुएशन वाले होते हैं, कौन सी क्लास वाले? हमारे यहाँ जो टीचरों की जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षित स्नातक, जैसे बीएड बोलते हैं, हमारे यहाँ 50% बीएड है, इसके बाद 25% टीईटी क्वालिफाइड है। जो अभी सरकार ने अभी रूल निकाला है कि बिना बीएड के प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, जब से हमने कई टीचरों को जो बीएड नहीं किए थे उन्हें बाहर कर दिया और बीएड वालों को रखा है। इस बार का रिजल्ट कैसा गया आपका? इस बार का रिजल्ट हमारा हमेशा रिजल्ट अच्छा जाता है, इस बार भी रिजल्ट हमारा 99%, कोई बच्चा फेल नहीं होता है। और जो मैथ का और साइंस का जो 3 सब्जेक्ट हैं PCM, उनका तो 80 और 85 से आगे जाता है, कम कभी नहीं होता है। ओके, आइए अब डायरेक्ट ही मिलते हैं प्रबंधक जी से, जो कि आर्मी के रिटायरमेंट हैं और स्कूल के अंदर काफ़ी समय से अपनी सेवाओं का सेवाएं दे रहे हैं स्कूल के अंदर। जानते हैं कि सर से सर नमस्कार। नमस्कार, मार्केट संवाद में स्वागत है सर आपका। सर पहला प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल आपका कब से खुला हुआ है? सर मैं 2002 में रिटायरमेंट आया था आर्मी से, उसके बाद 2004 से मैंने स्कूल बना करके 2 जुलाई से स्टार्ट कर दिया था। सर स्कूल के अंदर सुविधाएँ क्या क्या है आपके स्कूल में? सुविधाएँ चारों साइड जो बाउंड्री बंधी हुई है, पूरी पेड बाउंड्री है जिससे कोई ऊपर से नहीं निकल सकता है, गेट बंद रहता है। दूसरा और दूसरी सुविधा है गार्डन है, खेल कूद की जगह है, वॉलीबॉल और नेट वाले सिस्टम है जी। और खेलकूद के वैसे अन्य सामान भी है, बच्चों के भी खेलकूद के सामान है, कार हो गई, खेसक पट्टी हो गई इस टाइम, और फुलवाड़ी है, फूलों के हर प्रकार के फूल हैं जिससे बच्चे सुगंधित उसको लेते हैं और लंच पे वहाँ बैठते हैं। सर जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए क्या आप फीस वगैरह माफ़ कर किया करते हो? विद्यालय के परिवार की तरफ से हम जितनी विडोज हैं विडोज को 50% फीस माफ़ कर देते हैं, और ज़्यादा जो गरीब है उसको तो हम निःशुल्क भी पढ़ा देते हैं। अभी हमारे छात्र कम से कम 60 या 70 छात्र ऐसे हैं जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। अच्छा, विद्यालय केवल उनकी परीक्षा शुल्क लेते हुए निःशुल्क पढ़ रहे हैं, अभी प्रेजेंट हमारे विद्यालय। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके किस प्रकार टीचर डील करते हैं? अलग से कक्षा करते हैं, चाहे गर्मी का सीजन हो या अदर सीजन, बाद में या तो स्कूल के बाद उनको पढ़ाते हैं या गर्मी में 2 घंटे के लिए उनको जो विषय में कमजोर होते, हिंदी हुआ, गणित, अंग्रेजी, हमारा 3 विषयों पर अच्छा फोकस रहता है कि बच्चे का अच्छा रहे और वो आगे अच्छा पढ़ सके। सर 2004 से खुला है आपका स्कूल, आप बता रहे हो सर, स्कूल के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे यहाँ से नौकरियों पे लगे जो आपके पास आया करते हो? हाँ, पॉलिटिकल में हुए, कुछ आर्मी में गए, कोई पुलिस में भी गया, मगर अन्य ड्यूटियों में गया, कोई अभी कभी किसी की अभी चली रही शिक्षा भी आगे चलती जा रही है। जूनियर से लेकर किस में प्रोवाइड का मानना है आप, किस तरीके से आगे बढ़ाओगे आप, क्या प्लान है? हमारा प्लान है कि अगले साल हमारा विद्यालय हम हाई स्कूल की मान्यता लेना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ की बालिकाओं को बहुत जरूरी है, बालिका यहाँ से दूर जा नहीं पाती, या तो शहर जाए या 2-4 किलोमीटर जाए तो उनको जाने की दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल करने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर दो बातें आप बच्चों की अभिभावकों के लिए शिक्षा के संबंध में कहोगे आप? हाँ, उनके बारे में हम 4 परीक्षाएं लेते हैं और परीक्षा के पिघोर और परीक्षा के बाद जो उनका रिजल्ट या जो दिक्कत होती है उनसे अवगत कराते हैं, हर छात्र के अभिभावक से मिलकर उनको अवगत कर किस बच्चा किस विषय में कमजोर है, जिससे आपका सहयोग करे, जिससे हमारा भी सहयोग मिले, बच्चा आपका अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच प्रबंधक जी को देता हूँ, जो कि सारी व्यवस्थाओं के साथ सारे सुविधाओं के साथ स्कूल के अंदर इन्हें फैसिलिटी बताई है। कैमरामैन रोज के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, झांसी।